सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने इस पोर्ट्रेट को कुछ इतना हमने इसको ड्रॉ कर लिया था। इस वीडियो में हम इसका ये वाला पार्ट एंड ये दोनों ईयर्स को हम ड्रॉ करने वाले हैं। सो ये वाला लेसन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले जो ग्रिड बना हुआ है आपको उसको अच्छे से इरेज कर लेना है, एंड साथ में आपको एक व्हाइट पेपर यूज़ कर लेना है जिससे आपका ड्रॉइंग खराब ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने शेड करना स्टार्ट कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयरिंग HB पेंसिल से दे रहा हूँ। तो सिंपली आपको फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे आपको कितना डार्क करना है एंड कहाँ पे कितना आपको लाइट रखना है। तो बेस लेयर तो आपको डेफिनेटली ऐड करनी है, कोई भी आप पोर्ट्रेट बनाओ उसमें। एंड इसके पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने पहले वीडियो में आउटलाइनिंग को कंप्लीट किया था ग्रिड मेथड से, एंड सेकंड पार्ट में मैंने इस नीचे वाले पार्ट को कंप्लीट किया था। सो देखिए इस कंप्लीट ट्यूटोरियल को मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड जहाँ पे भी आपको बताना होगा वहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पे ईयर्स को ड्रॉ करने के लिए ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ, एंड ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे रेफरेंस में आप अच्छे से देख सकते हो कि जो ईयर है वो थोड़ा ब्लर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल हमें क्लीन नहीं दिख रहा है। तो पाउडर अप्लाई करने के बाद जिस तरह का हमें रिजल्ट चाहिए उस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। सो इससे आप काफ़ी अच्छे से ब्लर एरिया को कवर कर सकते हो, जैसे कि आपको बैकग्राउंड शेड करना हो। काफ़ी सारे ऐसे फोटोग्राफ होते हैं जिसको आप ड्रॉ करते हैं एंड उसका बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा ब्लर टाइप का होता है, तो आप तो इससे आप उसको काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। सो पाउडर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो डार्क एरियाज है वहाँ पे मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस एक ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस पार्ट को भी ड्रॉ करने के लिए हम उसी टेक्निक का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे फोटोग्राफ में आप देख रहे हो कि ये वाला ईयर थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ये ब्लर है। सो यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से जो है ग्रेफाइट पाउडर को ही अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी कम मात्रा में इसको यूज़ करना है, क्योंकि आप फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि ईयर जो है वो काफ़ी लाइट इफेक्ट दे रहा है, इसमें डार्कनेस है वो काफ़ी कम है। सो तीनों पार्ट हमारे काफ़ी इजी तरीके से ड्रॉ हो चुके हैं। सो यहाँ पे मैं आईब्रोज ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड आईब्रोज के लिए यहाँ पे मैं सॉफ्ट चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आईब्रोज है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो इसलिए यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एंड उसी के साथ हमें हेयर एंड बियर्ड को भी चारकोल पेंसिल से ड्रॉ करना है, तो ये काफ़ी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके हेयर एंड बियर्ड को ड्रॉ करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, एंड ये एंड अगले पार्ट में हमारा पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ट्यूटोरियल किस तरह लगा, अगर आपको इस ट्यूटोरियल से कोई भी हेल्प मिली हो तो आप मुझे कमेंट करना। सो आज का ट्यूटोरियल यहीं पे एंड करते हैं, सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करने वाले हैं। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ट्यूटोरियल वीडियो इस चैनल पर कंटिन्यू मिलेंगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।